इस वीडियो में मैं आपको सात ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने डॉग फ्लावर या एंटी रैनम की अच्छी केयर कर पाएंगे और आपका गमला फूलों से भर जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। एंटी रैनम या डॉग फ्लावर विंटर सीजन का बहुत ही सुंदर फूल है जो मिड दिसंबर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है और मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करता रहता है, पर उसके लिए आपको इसके पौधे की थोड़ी केयर तो अवश्य करनी होगी। सबसे पहले मैं आपको मेरे डॉग फ्लावर में एक कीड़ा दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि हरे हरे पत्तियों के पीछे छिपा बैठा है और धीरे धीरे सारी पत्तियों को खा जाएगा। ये कैटरपिलर है, पत्तों का हरा रंग और इस कैटरपिलर का भी रंग हरा है, इसलिए आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता। पत्तियों में ये छोटे छोटे काले काले दाने देख रहे हैं, इसी से मैं समझ गया कि यहाँ कोई कीड़ा है। इसके लिए आप पौधों में नीम ऑयल या किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें। इसका स्प्रे हर 15 दिनों में अवश्य करें। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो हमें डॉग फ्लावर को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र दोनों ही देना चाहिए जिससे कि प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिनों में, या फिर आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें और उसे हर 15 दिनों में पौधे को दें। आपका प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा और ये पौधे को कलियां निकालने के लिए भी बूस्ट करेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र में आप डीएपी के दानों का यूज़ कर सकते हैं। डीएपी के 7-8 दाने गमले की मिट्टी में मिला दें, फिर ऊपर से ढककर मिट्टी से दबा दें और फिर पानी डालें। फूल खिलने के बाद डॉग फ्लावर सीड पॉट्स बनाने लगता है। मैं एक दो सीड पॉट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक सीड पॉट है और इसमें बीज भी बनने लगे हैं। इन्हें काटकर हटा देना चाहिए। इसके साथ ही स्पेंट फ्लावर्स को भी काटकर हटा देना चाहिए, यानी खिलकर सूखने वाले फूलों की डेड हेडिंग करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, खिल चुके फूलों को हटा देने से प्लांट नए बड्स प्रोड्यूस करेगा और आपका डॉग फ्लावर का प्लांट कंटिन्यूस फ्लावरिंग करता रहेगा, और जब आपको सीड्स चाहिए होंगे तो डेड हेडिंग बंद कर दें। डॉग फ्लावर प्लांट की पत्तियां बहुत घनी होती हैं, इससे इनमें फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए इसमें हर 20 से 25 दिनों में फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें और पानी में घोलकर मिट्टी में भी दें। यदि आप डॉग फ्लावर को बीज से उगाना चाहते हैं तो अक्टूबर तक बीजों को बो देना चाहिए, पर अभी भी आप डॉग फ्लावर के सीडलिंग्स या पौधे नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। नर्सरी से लाएंगे तो आप अलग अलग कलर वेराइटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। आगे की वीडियो भी इसी पर है, डॉग फ्लावर के प्लांट्स नर्सरी से लाने के बाद उसे किस साइज के पॉट में लगाएं, इसके लिए सॉइल मिक्स कैसे तैयार करें और वाटरिंग कैसे करें आदि। और यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं बेसिक बातों पर आगे चलकर आपका प्लांट अच्छा फ्लावरिंग करेगा, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। डॉग फ्लावर प्लांट की जड़ें बहुत गहराई पर नहीं जाती हैं, लेकिन इसकी जड़ें फैलती हैं, इसलिए अधिक गहराई वाले गमले न लें लेकिन चौड़ाई वाली गमला लें। यदि एक गमला में एक पौधा लगाना है तो
6 इंच का गमला लें और यदि 8 इंच का गमला ले रहे हैं तो 2 पौधे लगाएं, आपका गमला भरा भरा लगेगा। अब बात कर लेते हैं सोयल मिक्स की। तो डॉग फ्लावर को पोरस, न्यूट्रिएंट से भरपूर और वेल ड्रेन्ड सोयल मिक्स पसंद है। वेल ड्रेन्ड सोयल मिक्स जिसमें पानी रुके नहीं और एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, इसके लिए आप ले लीजिए 50% गार्डन सोयल, 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, 20% रेत यानी रिवर सैंड और उसमें एक मुट्ठी नीम खली या करंज खली का पाउडर भी अवश्य मिला लें, जो फंगस को दूर रखेगा और आपके प्लांट के ग्रोथ को बूस्ट करेगा। डॉग फ्लावर विंटर सीजन का फ्लावर है, इसलिए इसे विंटर का सनलाइट बहुत पसंद है। इसलिए आपके प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहां उसे 4 से 6 घंटों की धूप अवश्य मिले। पर जनवरी बीतने के बाद धूप तेज होने लगती है, उस समय हो सके तो दोपहर की तीखी धूप से बचाने की कोशिश करें और आपको यह फूल देता रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपने डॉग फ्लावर का केयर करें और भरपूर फूलों का आनंद लें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हैप्पी गार्डनिंग।